हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई रोटी, या फिर ताजी रोटी से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बची हुई रोटी, और हमें दो रोटी लेना है। पहले आप ये रेसिपी बनाएंगी, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे रोटी ना खाते हों या फिर बहुत परेशान करते होंगे, तो आप इस रेसिपी को उनके लिए ज़रूर बनाइए। अब इस पर हमें लगाना है हरी चटनी, तीखी वाली चटनी है ये। इस चटनी को कैसे बनाना है इसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएं तो आप ये थोड़ा सा लगाएं। अब थोड़ा सा लगाएंगे हम मेयोनीज। थोड़ा सा चाट मसाला, उबले आलू रखेंगे, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज, फिर से थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। और अब और टेस्टी बनाने के लिए बच्चों की पसंदीदा चीज़, आप चाहे तो चीज़ स्किप कर सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, पर बच्चों को पसंद है इसलिए हमें थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। अब इसे हम इस तरह से रख देंगे और अब इसे हम कट करेंगे। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे थोड़ी सी चटनी। चीज, नायलॉन सेब और थोड़ा सा मेयोनीज। तो आपने देखा बची हुई रोटी बहुत ही टेस्टी बन गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बच्चे मांग मांग के खाएंगे। अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद एंडी को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।